हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोशनी भट्ट और आप देख रहे हैं मेरी चैनल रोशनी भट्ट। मैं आपका हार्दिक स्वागत है। ओके, हमने कार्बोहाइड्रेट की जो सीरीज थी उसकी कैसे क्वालिटेटिव टेस्ट की जाती है, ओके, तो वो हमने सारी देख ली। अब हम देखेंगे प्रोटीन। ओके, आपको अगर अननोन प्रोटीन सॉल्यूशन दिया जाए और उसमें से आइडेंटिफाई करने को किया कहा जाए कि इसमें से कोई भी प्रोटीन जो है वो आइडेंटिफाई करके लाओ, ओके, तो आप कैसे करोगे? तो उसकी हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटेटिव टेस्ट देखेंगे और उसकी आज हम बेसिक टेस्ट देखने वाले हैं। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी सॉल्यूशन आपको दिया जाए तो उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक टेस्ट तो होती है, ओके, तो ये आपको करनी होगी। तो फर्स्ट हम देखेंगे आज बायोरेट टेस्ट। ओके, बायोरेट टेस्ट जो है वो प्रोटीन की हाजिरी और प्रेजेंस बताती है, ओके, कि अननोन सॉल्यूशन में प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी दैट प्रोसीजर। तो इस प्रोसीजर में हम क्या करने वाले हैं? तो वी नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोटीन इट इज मेड अप बाय दैट, वी नो अबाउट द प्रोटीन इट इज मेड अप बाय दैट अमाइनो एसिड, राइट? तो अमाइनो एसिड की वन टाइप ऑफ द क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें एसिडिक ग्रुप भी होता है और अल्कली ग्रुप भी होता है, ओके, तो इस पर हम लिखे, तो इस टाइप की इस टाइप का अमाइनो एसिड का क्या होगा, उसका बेसिक स्ट्रक्चर होगा, ओके, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप दोनों ही प्रेजेंट है, ओके, तो उसके हिसाब से यहाँ पर हमें बहुत सारी क्वालिटेटिव टेस्ट हम कर सकते हैं डिटेक्ट करने के लिए। अमीनो ग्रुप अगर डिटेक्ट हो गया तो भी चलेगा और अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप डिटेक्ट हो गया तो भी हमें प्रोटीन का पता तो चल ही जाएगा, ओके, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ क्लीन ग्लास टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं, एड सैंपल सॉल्यूशन, यहाँ पर मैं लिखना भूल गई हूँ, आप लिख देंगे क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल एड द सैंपल सॉल्यूशन एंड देन आफ्टर एडिंग द 40% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ओके, वी नो अबाउट दैट अमीनो एसिड इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, राइट? एम्फोटेरिक यानी कि उसमें दो टाइप के जो नेचर है वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हाई कॉन्सेंट्रेटेड अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन आफ्टर हम डालेंगे एड 1% CSO4 ड्रॉप वाइज, ओके, यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट जो है वो एज ए रिएजेंट के तौर पर और साथ ही साथ इंग्रेडिएंट के रूप में भी काम करेगा, ओके, इंग्रेडिएंट के रूप में भी ये काम करेगा CuSO4। CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट का एग्जैक्ट जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है, लेकिन वो इस सॉल्यूशन से साथ रिएक्शन करने के बाद आपको कौन सा कलर नजर आएगा वो हम रिजल्ट में देखते हैं, ओके, तो ये सारा कुछ करने के बाद अब हमें क्या करना है, ऑब्जर्वेशन देखना है। तो हमें अगर पर्पल कलर प्रेजेंट दिखाई दे टेस्ट ट्यूब में, इट इज अ पॉजिटिव टेस्ट ऑफ पायरेट, ओके, तो इस टाइप की आपको टेस्ट ट्यूब नजर आती हुई दिखाई देगी, ओके, इट इज अ पॉजिटिव टेस्ट ऑफ प्रोटीन यानी कि प्रोटीन हमारी टेस्ट ट्यूब में हाजिर है, ओके, हमारी सैंपल सॉल्यूशन में हाजिर है, ओके, तो ये थी उसकी बायोरेट टेस्ट। आगे के वीडियो में हम देखेंगे ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट, ओके, तो तब तक आप देख रहे हैं मेरी चैनल रोशनी भट्ट, ओके, थैंक यू।